जनपद लखीमपुर खीरी के थाना फरदान अंतर्गत ग्राम भजनपुरवा में संपत्ति के लालच में इकलौते दामाद मनीष कुमार ने अपनी बुजुर्ग सास कलावती देवी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद फरदान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सील कर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर अपनी सास के हत्यारे इकलौते दामाद मनीष कुमार को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आला कत्ल चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक खीरी विजय कुमार ढूलू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कलावती के हत्यारे दामाद मनीष कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम कर मनीष कुमार को जेल भेजा जाएगा। थाना फरदान क्षेत्र अंतर्गत बैदनपुरवा गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि संपत्ति विवाद के कारण उत्पन्न हुए झगड़े में 70 वर्षीय श्रीमती कलावती की उनके सगे इकलौते दामाद मनीष के द्वारा चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना फरदान पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त मनीष को पुलिस के द्वारा सूचना के महज 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर आला कतल छुरी भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।